तो जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने महाराष्ट्र सरकार को दिया 50 लाख रुपए, अक्षय कुमार ने दिए 100 करोड़ रुपए और मुकेश अंबानी ने दिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार को दोस्तों, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, इसे देख के क्या सच में दिए दोस्तों। क्या आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वीडियो ट्रेंड करता हो, वायरल होता हुआ, इस साइड से वीडियो को देखिए, इस साइड से वीडियो को देखिए, जो वीडियो काफ़ी ट्रेंड, काफ़ी वायरल वायरल जा रहा है, हर वीडियो, जितनी वीडियो इसी टाइप की अपलोड हो रही है, सारी वीडियो वायरल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक को पता नहीं है इसकी रियलिटी सच्चाई क्या है। क्या आपको पता है इसके बारे में क्या है रियल इसका न्यूज़, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम इसका वहाँ कुंडली निकालेंगे दोस्तों, वायरल सच बताने वाले हैं इस वीडियो में, क्या इसकी सच्चाई, क्या सच में अक्षय कुमार 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ जितने डोनेट कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, क्या रियल में ये इसकी सच्चाई सही में डोनेट कर रहे हैं। तो यहां तक सबसे पहले हम रियल और सच्चाई की यहां पे फर्स्ट नंबर वन बात करें, तो आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी वीडियो अगर फैलती है ज्यादातर, तो वो वीडियो फेक ही मानी जाती है। जब तक आप न्यूज चैनल लोग, जब तक आप पूरे जी न्यूज, एबीपी न्यूज, ये सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल पर जब तक इस वीडियो को नहीं देख लेते, चाहे या आप अपने अखबार में नहीं पढ़ लेते इस टाइप की न्यूज, तब तक आपको इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों झूठी वीडियो है, और ये वीडियो बिल्कुल लाइक और कमेंट और शेयर और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं दोस्तों। हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, अक्षय कुमार ने दिए इतने रुपए, मुकेश अंबानी ने दिए, शाहरुख खान ने दिए, तो हर वीडियो में आपको ऐसा लिखा हुआ थंबनेल टाइप का एक वीडियो देखने को मिलेगा, जो टिकटॉक पर हर ज़्यादा ट्रेंड, हर वीडियो उस पर लाखों मिलियनों में व्यूज़, 15 मिलियन, 20 मिलियन ऐसे ऐसे व्यूज़ दोस्तों। ऐसी वीडियो अगर बनती है तो टिकटॉक पर वायरल हो जाता है। ये बेवकूफ़ लोगों को पता नहीं है कि इस टाइप की वीडियो बना के उसे अपना नुकसान, अपने आईडी का खुद नुकसान कर रहा है, उस टिकटॉक आईडी का, टिकटॉक अकाउंट का दोस्तों। वो लोग को क्यों पागल बना रहा है, वो खुद ही पागल बनता जा रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप की वीडियो अगर आपको देखने को मिलती है टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे, तो आप फटाक से उस वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल ही झूठी है और ये पब्लिक, आम जनता को बेवकूफ़ बनाए जाने वाली वीडियो है। और ये छोटे छोटे गिरे गिरे लोग जो हैं, एक छोटे से लाइक के लिए बहुत बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं, उसे सोच नहीं रहे कि हमारे भारत देश के अभी माहौल कैसा है। आप लोग खुद समझ रहे हैं कैसा माहौल, और इस बीच वो इस मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को सोचते हुए आपको भी रिपोर्ट करना चाहिए, और आपको कितनी सच्चाई लग रही है वीडियो में आप हमें कमेंट में बताएं। जहाँ तक हमें लगा इस वीडियो को सच्चाई देखने के बाद, तो क्या है दोस्तों ये आपको लगता है कि क्या अक्षय कुमार दे देंगे, क्या शाहरुख खान दे देंगे? देंगे तो कोई एक ही देंगे, तो देंगे वो, जब देंगे तब आपको बड़ा अपने न्यूज़ चैनल में देखने को मिल जाएगा, जो ब्रांडेड चैनल जी न्यूज़ हो गया, एबीपी न्यूज़, ये सब बड़े बड़े चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, आपके अखबार में छप जाएगा, ये सारा चीज़ जब आ जाएगा तब आप यकीन मानिए, तब आपको पता चल जाएगा। और यह बड़े बड़े चैनल जो हैं वायरल बॉलीवुड, ये सब न्यूज़ चैनल जो, इस पर अगर आपको ये न्यूज़ सुनने को मिला तो समझिए रियल है। अगर आपको टिकटॉक पर ऐसी वीडियो जितनी भी देखने को मिल रही है, सारी वीडियो फेक है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ये रानू मंडल को घर दे दिया सलमान खान, कुछ दिन पहले एम्बुलेंस वाले देखा होगा वायरल एम्बुलेंस वाले को, इसको दे दिया सलमान खान ने 50 लाख रुपये, 60 लाख रुपये, लो भाई ये वो लो फलना चिलना, बहुत सारा फेक वीडियो बनता है टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर, और फेक वीडियो ये भी ज़्यादा वायरल करता है टिकटॉक। ना कि हम लोग मेहनत करें, आप लोग मेहनत करें, हार्डवर्क करें, जितना ट्रांजेक्शन वीडियो बनाए, लेकिन हम लोग का वीडियो जल्दी वायरल नहीं होता है, और उस टाइप का अगर फेक वीडियो बना के डाल दो फटाक से वायरल हो जाएगा, लाखों में व्यू, करोड़ों में लाइक, व्यूज, सारा चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ये फेक न्यूज है। और इस माहौल को देखते हुए, कोरोना वायरस का माहौल देखते हुए, अपने सेफ्टी रहिए, अपने घर में सेफ रहिए, अपने घर के अंदर पैक रहिए, और जो होता है सोशल मीडिया से जुड़े रियलिटी, सच्चाई, ईमानदारी के साथ काम कीजिए हर एक प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस और मोटिवेशन के साथ, ईमानदारी के साथ जो काम करता है सोशल मीडिया, यूट्यूब हो या टिकटॉक, वही आगे सक्सेस पा सकता है। और ये सब जो पागल लोग हैं फेक न्यूज फैला फैला के अपने एक लाइक बढ़ा रहे हैं, इससे उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने रियलिटी सच्चाई के साथ काम कीजिए कभी प्लेटफॉर्म पर, और इस सब वीडियो को रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए टिकटॉक पर। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, बताने का मकसद आप समझ ही गए होंगे कि आप लोग ये फेक न्यूज़ देख के आप रियल कभी मत समझिएगा। ये सारे वीडियो अभी जितने भी अपलोड होंगे, बहुत वीडियो अभी अपलोड होने वाले हैं फेक 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 टिकटॉक पे, जितने भी होंगे सब फेक वीडियो अपलोड होंगे, और सब एक छोटे से लाइक के लिए बस मूर्ख बनेंगे आम पब्लिक को। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, भगवान का दिन सुपर दो, थैंक्स फॉर दिस वीडियो।